सोनीपत में उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के पौश इलाके में रात को गांव कबीरपुर के रहने वाले आशु नाम के युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी और इस पिटाई के बाद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने निक्की दहिया यूट्यूब इन्फ्लुएंसर सेक्टर 12 के दो सिक्योरिटी गार्ड्स और अन्य कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस ने भी परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के कबीरपुर का रहने वाला आशु नाम का युवक रात को अपने घर से निकलकर गांव के सामने सेक्टर 12 में चला गया, लेकिन सेक्टर 12 में तैनात दो गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उस पर चोरी के आरोप लगाए और बाद में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई के बाद यूट्यूब पर उसकी एक वीडियो भी सामने आई जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर निक्की दहिया के पेज पर पोस्ट की गई थी। परिजनों ने आरोप लगाए कि निक्की दहिया और दो गार्ड्स और उसके अलावा वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों ने आशु की बेरहमी से पिटाई की है जिसके चलते उसकी मौत हो गई। निक्की दहिया और उसके साथियों ने उसकी हत्या की है। आशु मानसिक रूप से परेशान था लेकिन वो नशा बिल्कुल भी नहीं करता था। हम पुलिस से न्याय की उम्मीद करते हैं। क्या नाम आपका? प्रदीप नाम है। प्रदीप, कैसे क्या हुआ आपके भाई के साथ? भतीजा लगता जी, ये लड़का जो एक्सपायर हुआ है तो ये सारे दो तीन दिन से दिमाग से थोड़ा परेशान चल रहा था। 4 तारीख को ये घर से निकल गया और सामने हमारे जो गांव के सामने कबीरपुर के सामने सेक्टर 12 लगता है, ये वहाँ सेक्टर 12 की तरफ चला गया। मानसिक तौर पे थोड़ा दिमाग से परेशान चल रहा था तो इस पे शक के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड वालों ने इसको पकड़ लिया और इसको एक निक्की दहिया के नाम से आईडी है फेसबुक पे, जिन्होंने मारा है, वीडियो बनाई है और इसको इतना मारा है जिससे मार सहन ना कर निक्की दहिया के अलावा और कौन कौन है इस पूरे? दो सिक्योरिटी गार्ड है सर और उसके जो वीडियो में है उसके साथ में 7-8 आदमी और दिखाई दे रहे जो लठ ले रहे अपने से लंबे हाइट के लठ ले रहे हैं और लड़के की आप हालत देखोगे। अभी फिलहाल मृत की फोटो हमारे पास आप देखोगे तो इतने लील दे रखी है और बताया गया कि चिट्टा पीता लड़का सर बीड़ी तक कैब नहीं करता था, थोड़ा दिमाग से परेशान चल रहा था बस। और किसने हत्या की? निक्की दहिया और किसने की उसकी हत्या? दो सिक्योरिटी गार्ड और हैं सर जिन्होंने मारा है और 5-7 आदमी और उसके साथ में, वो जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं नाम हम किसी का जानते नहीं है, सिर्फ निक्की दहिया की आईडी पे वीडियो है। वीडियो में एक चक्कू भी दिखाई दे रहा है। वो चक्कू सर, वो चक्कू जो लड़का खून देख के उल्टी कर देगा वो चक्कू कहाँ से उठाएगा आप ये बताओ ना, जो लड़का खून देख के उल्टी कर देता है चक्कू कहाँ से उठाएगा? ठीक है, चक्कू भी नहीं कहा सर। जो वीडियो यूट्यूबर है वो नकली हथियार ला सकता है और नकली चक्कू भी ला सकता है सर। हमारे पास आज इन्फॉर्मेशन मिली है कि लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके हत्या की गई है जिसके हमने मरने वाला है, इसका नाम आशु उर्फ मोहित है, कबीरपुर का रहने वाला है जो नशा का करने का आदि था। इन्होंने परिवार वालों ने एलिगेशन लगाया कि इसको मारपीट करके इसकी हत्या की गई, जिस बेस पे हमने उनके दरखास्त पे FIR कर दी गई है। इस मामले की मामला दर्ज किया गया है और कितने लोगों को शामिल किया गया है? अभी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी फैक्ट होंगे वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। कोई सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया कि चोरी के लेना इतना ही उसमें घुसा था, ऐसा कुछ? अभी उसकी इंक्वायरी की जा रही है।